गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 4D पे है। क्वेश्चन क्या रहा है, राइट डाउन द इंटरवल फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इन सब के प्रिंसिपल ब्रांच को दिखाना है और इनके ग्राफ को भी बनाना है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन इनवर्स के लिए। तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना होगा तो फंक्शन f जो होगा -1 to 1 के बीच होना चाहिए, 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर यह डिफाइन होता है। और इसको fx इज इक्वल टू कैसे करते हैं, साइन इनवर्स x से डिनोट करते हैं। इसी तरह ना साइन इनवर्स x से ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच यही कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। तो समझ गए प्रिंसिपल ब्रांचेस का क्या होता है, मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस कर दिया है चैप्टर के शुरुआत में ही। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, इस प्रिंसिपल ब्रांच के लिए इसका ग्राफ समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें, ठीक है। इसमें हम लोग 10 टोटल कॉलम लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 2, 10 हो गए ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है साइन इनवर्स x, उसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पर y लेंगे। तो x के लिए यहाँ पे किससे बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 तक लेना होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे -1 से लेंगे, ठीक है। ऐसे वैल्यू लेंगे ना जिसका हम लोग आसानी से उसका इन्वर्स निकाल सके, कुछ इन्वर्स आसानी से निकाल सके। तो -1 ले लेते हैं, -√3/2 ले लेते हैं, -1/√2 ले लेते हैं, और फिर आप ले लो -1/√2, फिर -1/2 ले लो, फिर 0 लो, फिर 1/2 लो, क्योंकि इन सब के वैल्यू हम आसानी से जानते हैं। 1/√2 लो, √3/2 लो और 1 लो, समझे ना। -1 to 1 तक के सारे वैल्यू जो हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं उन सबको ले लिए। चलिए तो अगर हम -1 यहाँ पे रखें, -1 रखोगे तो साइन इनवर्स -1, आपको पता ना कैसे निकालना है, साइन इनवर्स -1 पर क्या हो जाएगा, -sin inverse 1 यानी कि -π/2, ठीक है, -π/2 हो जाएगा ना। समझ रहे ना बात को, उसी तरह से इसको निकालोगे, इसी तरह से साइन इनवर्स -√3/2 यहाँ पे रखना होगा ना। चलिए तो आपका हो जाएगा -sin inverse √3/2। तो √3/2 की बात करें तो ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू होगा, 60 डिग्री का, यानी कि -π/3 हो जाएगा, है ना, -π/3। चलो -1/√2 सिमिलरली ऐसे ही चेक करोगे तो वो आ जाएगा -π/4 का, यह आ जाएगा -π/6 का। समझ में आ गया ना कैसे चेक करें हम लोग, ये 0 का हो जाएगा, यह π/6 के लिए हो जाएगा, यह π/4 के लिए, यह π/3 के लिए और यह π/2 के लिए, समझ गए। अच्छा अगर हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो √3 का 1.73 होता है, 1.73 में 2 से डिवाइड कर देना, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 0.86 लगभग में आएगा, 0.86, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका वैल्यू रखोगे 1.41 ना, √2 का 1.41 और 1 से डिवाइड करोगे तो लगभग में ये 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 71 आएगा, 0.71 लगभग 0, इसका तो पता ही है कि माइनस का 0.5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 0.5 आ जाएगा, 1/2 यानी कि ये 0.5 हो गया। अच्छा इसको चेंज करोगे तो यही वाला चीज़ आएगा, बस यहाँ पे प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा 0.7, ठीक है। अच्छा √3/2 तो यही वाला वैल्यू आएगा, ये माइनस में है यहाँ पे, समझ रहे ना, ये माइनस में है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा 0.86 और ये 1 तो है ही। अब देखिए इन सब के लिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ग्राफ पेज को लेकर। चलिए तो अब इस पे हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, इस ग्राफ पेज पर ये आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस इस पे दिखा देते हैं,
चलो यहाँ पे x एक्स स्क्वायर से दर्शा देते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं इस वाली लाइन पे, और ये आपका y एक्सिस हो गया, इस पे ये आपका इस पे y एक्सिस हो गया, ठीक। अब हम लोग कोई भी स्केल लेके इस पे ग्राफ को बना सकते हैं, ये देखिए x x डैश और यहाँ रख देंगे y और नीचे आपका y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आप स्केल चूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे ना ये ले लेते हैं, देखो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, यह है आपका 0.25, ठीक है, 0.25 या 0.5 या 0.75 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ ये 1 हो गया और इसके पहले 0.75 और इसके यहाँ पहले 0.5 और यह 0.25, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए इसी तरह से यहाँ भी माइनस का 0.25, एक्स एक्सिस पे रखेंगे ना ये वाले वैल्यूज को, माइनस का 0.5 और यहाँ माइनस का 0.75 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, इक्वल होना चाहिए ना। अब देखो इस पे चलते हैं, तो इस पे आपको जाना है पाई बाई टू तक, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पाई बाई टू तक जाना है ना, ये तो जीरो हो जाएगा, अच्छा देख लेते हैं हमारे पास ये एक एक बट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम लोग आसानी से इस पे कर सकते हैं। हम लोग 30 60 और 90 लेके चलते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, यहाँ 60 ले लेते हैं और यहाँ 90 ले लेते हैं, तो आसान रहेगा इस तरह से। ये 30 के लिए हो गया पाई बाई सिक्स, ठीक है, यहाँ जो हमने दिखाया किसके लिए फिर दिखाया पाई बाई थ्री और फिर पाई बाई टू, ठीक है ना, इक्वल इक्वल लेना होगा 30 60 90, उसी तरह से यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप स्केल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का पाई बाई सिक्स, माइनस का पाई बाई थ्री और ये माइनस का पाई बाई टू, कोई भी स्केल आप लेकर खींच सकते हैं, हमारे पास ग्राफ में जितना जगह होगा हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हम लोग इसमें दिखा देंगे कि हमने कितना कितना पर कितना लिया है, तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ से देखो जीरो, यहाँ जो है इसमें पांच गो छोटा छोटा ये जो घर बढ़ रहे हैं, पांच गो लकीर जो बढ़ रहे हैं यहाँ से, एक 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 स्मॉल होम, दो स्मॉल होम, थ्री स्मॉल होम, फोर स्मॉल होम, फाइव स्मॉल होम, तो यह 0.55 इंगित करें, 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.2, 0.30, 0.35, 0.40, 45 और फिर 0.5, मतलब कि यहाँ हम लोग 0.5 इंक्रीज करते जा रहे हैं इधर, है ना, 0.05 यहाँ पे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तब जाके ये 1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं x एक्सिस पे क्या देख रहे हैं, तो लिख देंगे साइड में, लिख देना अच्छा रहता है कि x एक्सिस पे, x एक्सिस पे 1 स्मॉल हाउस, यहाँ साइड में लिख देना, हमारे पास तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x एक्सिस पे 1 स्मॉल हाउस इक्वल टू कितना लिए हैं, 0.05, ठीक है। अच्छा इस पर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 30 डिग्री हो जा रहा ना, तो 5 6 छः दुना 12 है ना, 6 दुना 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, है ना, देख रहे ना 6 6 हो रहा है। तो यहाँ y एक्सिस पे क्या हो रहा है, y एक्सिस पे 1 स्मॉल हाउस, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये लिख देंगे तो और अच्छा रहता है, 1 स्मॉल हाउस किसके बराबर है, तो यहाँ पे वो 6 के बराबर है, देख लो 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 13, फिर वैसे ये 6 6 बढ़ते जा रहा है, एक छोटा घर जो है 6 डिग्री बढ़ते जा रहा है। अब देखो माइनस 1 पे है माइनस का पाई बाई टू, माइनस 1 किधर है, ये रहा, और माइनस 1 पे माइनस का पाई बाई टू, यानी नीचे माइनस 1 पे माइनस का पाई बाई टू यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस का 0.86 पर माइनस का पाई बाई थ्री, माइनस का 0.86, तो देखो ये 0.75 है, यहाँ 0.80 होगा और फिर माइनस का 0.85 होगा, 85 यहाँ होगा, तो इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और माइनस के पाई बाई थ्री पे मिल रहा है, क्लियर है, समझ रहे ना। फिर उसके बाद देख रहे हैं माइनस का 0.7, तो माइनस का 0.75 के पहले एक यहाँ 0.7 हो जाएगा, 0.7 का मतलब 0.70, तो ये वाले लाइन पे आएगा यहाँ पे, और ये किसके सामने बन रहा है, तो यह जो है आपका पाई बाई फोर यानी 45 डिग्री,
तो ये देखो 45 के लिए है, ये माइनस का 30 है और माइनस का 60 है, दोनों के बीच में ना, यानी यहाँ पे आएगा, समझ रहा है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। चलो अब देखो, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आप चल रहे हो आगे यहाँ पे, माइनस का 0.5 के लिए माइनस का पाई बाई सिक्स, माइनस का 0.5 के लिए माइनस का पाई बाई सिक्स, सॉरी 0.5 के लिए, सॉरी 0.5 के लिए पाई बाई सिक्स, फिर उसके बाद 0 के लिए 0 हो रहा है, फिर 0.5 के लिए पाई बाई सिक्स, 0.5 के लिए पाई बाई सिक्स, देख रहे हैं ना, फिर आपका 0.7 के लिए, तो इससे एक पहले यहाँ पे के लिए कितना हो जा रहा है, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर इसके और इसके बीच में होगा यहाँ पे 0.7 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है 0.86 पे, तो 0.80, 0.85 यहाँ पे होगा थोड़ा सा इधर, और कितना हो जा रहा है 0.85 पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, चलिए फिर 1 पे हो जा रहा है पाई बाई टू, तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, इसका ग्राफ जो देख रहे हैं आप, ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं ना, क्लियर है, तो ये इसका ग्राफ हो गया इस तरह से, तो समझ में आया कितना आसानी से ये ग्राफ बन गया, क्लियर है, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, सेकेंड नंबर, चलिए सॉरी कॉस इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, याद है आपको, लेट एफ एफ माइनस वन टू वन टू जीरो टू पाई एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगा आपका, जीरो टू पाई हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर जीरो टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब चलो इसके ग्राफ की बारे में बात करते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए फिर वही हमें यही 10 कॉलम लेके बनाने होंगे इसको, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है इनके ग्राफ, ठीक है, अच्छे से समझना होगा आपको। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 10 गो बॉक्स बना लेते हैं, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5, 6, 7, 8 और ये 2, 10 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं और यहाँ पे y, तो यहाँ मान लेंगे कि y बराबर जो है आपका cos इनवर्स x है, चलिए cos इनवर्स x है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं किसको, तो इसके वैल्यूज के लिए बात करें, cos इनवर्स x में वैल्यूज की बात करें 0 टू पाई के बीच, तो हम लोग देखो याद है, हम लोग x की जगह अगर 0 रखेंगे तो 0 ले सकते हैं, अच्छा 0 डिग्री पे देख सकते हैं, फिर आप किस पे देख सकते हैं, तो पाई बाई सिक्स ले लेते हैं, पाई बाई सिक्स, सॉरी यहाँ पे हमें वैल्यूज को ना लिखना है, x के लिए यहाँ वैल्यूज लेने होंगे ना, चलिए तो 1 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस वन टू वन है ना, तो माइनस वन टू वन है तो माइनस वन से शुरू करो या 1 से शुरू करो, चलो 1 लेते हैं, 1 लेने के बाद हम लोग ले लेते हैं आपका रूट थ्री बाई टू, ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं 1 बाई रूट टू, ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं 1 बाई रूट टू के बाद आपका, और फिर 1 बाई रूट टू हो गया, फिर 1 ले लेते हैं हम लोग 1 बाई टू, 1 बाई टू, 0 ले लेते हैं, माइनस 1 बाई टू लेते हैं, माइनस का 1 बाई रूट टू लेते हैं, फिर आपका माइनस का रूट थ्री बाई टू ले लेते हैं, और फिर माइनस का 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 कॉस इनवर्स 1 की बात करें, याद है ना आपको, कॉस इनवर्स 1 की बात करें, कॉस इनवर्स 1 का, तो 1 कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू की बात करें, तो यह कितना का होता है, रूट थ्री बाई टू जो होता है आपका कितना का होता है, रूट थ्री बाई टू जो होता है आपका पाई बाई सिक्स का होता है, पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा उसी तरह से पाई बाई फोर, ये आपका पाई बाई थ्री, और ये आपका 90 यानी पाई बाई टू। यहाँ देखो कॉस इनवर्स माइनस का 1 बाई टू की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 1 बाई टू की बात करें तो यह पाई बाई थ्री घटाएंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री, ये 2 पाई बाई थ्री के लिए, सेम उसी तरह यहाँ भी करोगे तो यह आ जाएगा 3 पाई बाई फोर के लिए,
थ्री पाई बाई फोर के लिए, ये आ जाएगा आपका फाइव पाई बाई सिक्स के लिए, और ये आएगा पाई के लिए। पता है ना आपको कैसे चेक करना है, ये आपको पता है सबको। चलो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इससे पहले ये वैल्यूज को लिख ले, थ्री बाई टू को हम लोग पॉइंट में बदले थे तो कितना था, 0.86 ले सकते हैं, 0.87 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन बाई रूट टू की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 0.7 आया था, याद है। और इसका 0.5, ये तो जीरो ही है, ये माइनस का 0.5 और ये आ जाएगा माइनस का 0.7, है ना। और ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.86 के लिए, और ये तो माइनस वन है ही, ठीक है। 86 को थोड़ा सही से लिख दे, 0.86 माइनस का है, ठीक है, याद रखना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो तो इसके ग्राफ को समझा जाए। चलो यहाँ पे भी x एक्सिस और y एक्सिस लेना होगा। चलिए आपका x एक्सिस, तो x एक्सिस को थोड़ा नीचे से ही ले सकते हैं क्योंकि निगेटिव में तो जाना है नहीं। और ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं इस तरह से, तो थोड़ा y एक्सिस को इधर कर लो, ठीक है। चलिए क्लियर है, नीचे तो जाना है नहीं तो काफ़ी है आपका। यहाँ पे लेते हैं x और इधर आपका x डैश, यहाँ आपका y और नीचे आपका y डैश, ठीक है। चलो तो वही काम करो, यहाँ पे 0.25, 0.5, 0.75 और फिर आपका 1, ठीक है। इधर भी उसी तरह माइनस का 0.25, माइनस का 0.5, माइनस का 0.75 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग वही लेके चलते हैं, कितना से पाई बाई सिक्स, 30 हो गया, 30 हो गया ना, फिर ये 60 हो गया, फिर ये 90 हो गया, ठीक है। फिर अगर 120 की बात करें तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3, ठीक है। 120 के बाद कितना, तो 120 के बाद आ गया आपका 150, तो 150 के लिए हो जाएगा 5 पाई बाई 6 और फिर 180 के लिए हो जाएगा पाई, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं। 1 पर 0, x का वैल्यू 1 होगा तो y का 0, यानी कि यही होगा। चलो 0.86 पर पाई बाई 6, 0.86, तो 0.8 यहाँ होगा, 0.85 यहाँ, 0.86 पर पाई बाई 6, ठीक है। फिर आपका 0.7 पर 0 पाई बाई 4, 0.7 पर, तो 0.7 यानी कि 0.70 होगा इसके एक पहले, पर पाई बाई 4 ना, पाई बाई 4, 0.7 पर पाई बाई 4, पाई बाई 4 यहाँ पे होगा दोनों के बीच में ना। चलो अब फिर अब देखो 0.5 पर ये हो रहा है पाई बाई 3, 0.5 पर पाई बाई 3, पाई बाई 3, ठीक है। फिर आपका क्या हो जा रहा है, फिर उसके बाद 0 पर, 0 पर, 0 पर कितना हो जा रहा है आपका, 0 पर पाई बाई 2, ठीक है। x का 0 और y का पाई बाई 2, x का 0 और y का पाई बाई 2 यानी यहाँ हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद 0.5 माइनस का, उस पर 2 पाई बाई 3, 0.5 माइनस का हो रहा है, 0.5 माइनस का हो रहा है, 0.5 माइनस का हो रहा है 0.5, तो उस पर हो रहा है आपका पाई, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3। फिर उसके बाद आपका है, आपका कितना हो जा रहा है, तो माइनस का 0.7 पर 3 पाई बाई 4, माइनस का 0.7 इसके एक पहले होगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, क्या है आपका 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 मतलब कितना, 135 डिग्री हुआ, यानी इन दोनों के बीच में 120 और 150 के बीच में यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा यहाँ पे, तो आपका आ रहा है 0.7 यानी यहाँ पर इन होगा। चलो अगला कितना है, तो अगला है 0.86 है, माइनस का 0.86 हो रहा है 5 पाई बाई 6, 0.86 की बात करें तो यहाँ पे यहाँ आएगा, तो कितना आ रहा है इस पर 5 पाई बाई 6, ठीक है, 5 पाई बाई 6 के, और माइनस 1 पर पाई, माइनस 1 पर पाई, देख रहे ना। तो इसका ग्राफ जो हो रहा है कुछ इस तरह से, इसका ग्राफ आ रहा है,
इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा, देख रहे ना। चलिए, और हमने देखा था इसके ग्राफ के बारे में, पहले भी पढ़ा हुआ था और हमने दोबारा से देख लिया। और फिर इसमें ये लिख देना, जैसे कि पिछले ग्राफ में लिखे थे ना कि एक्स एक्सिस पे कितना कितना लिए हैं, तो हम लोग दिए थे एक्स एक्सिस पे एक छोट स्मॉल हाउस जो बढ़ रहा है और 0.05 बढ़ रहे हैं, और वाई एक्सिस पे जो बढ़ रहे हैं एक स्मॉल हाउस वो 6 बढ़ रहा है, 6 डिग्री बढ़ रहा है ना, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं टैन के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 बता दूंगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी टैन इनवर्स एक्स के लिए। तो इसका भी आपको बताए हुए हैं कैसे प्रिंसिपल ब्रांच होता है और कैसे डिफाइन होता है। तो लेट यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ आर टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर डिफाइंड होता है, और एफ एक्स इज इक्वल टू होता है टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इन दोनों के बीच का है ना, इज द प्रिंसिपल, इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स एक्स। चलिए प्रिंसिपल ब्रांच हो गया, अब इसका देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलिए तो ग्राफ की बात करें तो इसमें बॉक्सेस अब की बार 2 कम ले लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं लेंगे अब की बार 2 कम, यानी कि 8 लेंगे, ठीक है। अब क्यों 8 लेंगे बता रहे हैं, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को छोड़ देना है, इन दोनों को तो छोड़ देना है ना, तो यहाँ पे 8 की ही ज़रूरत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 2, 8 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स x। चलो यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो x की जगह क्या लेंगे, तो माइनस पाई बाई टू तो लेना ही नहीं है, माइनस पाई बाई टू नहीं लेना है, तो माइनस का पाई बाई थ्री ले लो, फिर आप ले लो माइनस का पाई बाई फोर, सॉरी वो y के ना वैल्यू है, x का लेना होगा ना, सॉरी। तो x के लिए हम लोग वो सारे वैल्यू लेंगे, तो लेंगे आप किसको लेंगे, तो आप ले सकते हैं रूट थ्री माइनस का, ठीक है। फिर आप ले लो माइनस का आपका आ जाएगा 1, फिर ले लो माइनस का 1/√3, फिर लेंगे आप 0 और फिर लेंगे 1/√3 प्लस का, फिर लेंगे हम लोग 1 और फिर लेंगे √3 प्लस का, यही सारे लेंगे ना। तो आपको पता ही है यहाँ पे आपको माइनस रूट थ्री रखने पे टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री के लिए आपको पता ही है क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा टैन इनवर्स रूट थ्री। तो रूट थ्री कितना के लिए होता है, पाई बाई थ्री के लिए ना, पाई बाई थ्री के लिए, तो माइनस का पाई बाई थ्री आ जाएगा इस पर, माइनस का पाई बाई थ्री, और ये माइनस का पाई बाई फोर आ जाएगा इसी के जैसा, या माइनस का पाई बाई सिक्स आएगा, ये 0 आएगा, फिर आपका ये आ जाएगा पाई बाई सिक्स प्लस का, यह पाई बाई फोर, ऐसे ही निकालते जाएंगे। तो कहने का मतलब 1 रख दोगे यहाँ पे तो ये सारे वैल्यू जाते जाएंगे, फिर रूट थ्री रखोगे तो यहाँ के वैल्यू क्या आएगा आपका पाई बाई थ्री, ठीक है। अब चलिए इनके ग्राफ को बनाकर हम लोग देखते हैं। इससे पहले हमें इसे डेसिमल में बदलना, तो रूट अंडर थ्री का वैल्यू आपको पता है पहले से 1.73, तो माइनस का 1.73 या 7 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो माइनस वन है ही। अच्छा इसको बदलोगे तो इसका आ जाएगा माइनस का 0.58, ठीक है। अच्छा ये तो 0 है ही, यहाँ भी आ जाएगा, ये प्लस का आएगा 0.58, बदल के देख सकते हैं ये 1 ही है, इसका आ जाएगा 1.73। चलो अब इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इस पर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर ले लिए हैं और यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस दिखाएंगे। चलो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, कलर चेंज कर लो यार, ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा दिखने में, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स और इधर एक्स डैश और इस पर वाई और यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग वही लेंगे 0.25, ठीक है, फिर यहाँ पे लेते हैं 0.50 और 0. फिर 1 आ जाएगा ना, 0.75 ना, फिर आपका 1, फिर आपका यहाँ हो जाएगा, इसके बाद लेना चाहोगे तो 1.25, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, फिर आपका कितना आ जाएगा 1.75, ऐसे ही बढ़ते जा सकते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी 0.25
25 माइनस का, फिर आपका 0.5 माइनस का, फिर आपका हो जाएगा आपका 0.75 माइनस का, फिर आपका माइनस का 1, फिर आपका यहाँ पे माइनस का 1.25, फिर आपका यहाँ हो जाएगा माइनस का आपका आ जाएगा 1.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1.75। ठीक है, ऐसे ही बढ़ सकते हैं। अब देखो इस पे भी उसी तरह से ले लेते हैं, π/6, π/3 30 हो गया, 60 हो गया, और π/2 90। यहाँ भी नीचे माइनस में तो जाना है ना, चलिए तो 90 पे तो लेना नहीं है वैल्यू को, लेकिन उसको लिख देंगे माइनस का π/6, क्योंकि नॉन डिफाइन होता है ना, माइनस का π/3 और माइनस का π/2। एक्स एक्सिस पे लिख देना जिस तरह से पहले ग्राफ में लिखे थे, और वाई एक्सिस पे भी कितना हम लोग एक स्मॉल हाउस को लिए हैं वो लिख देना। चलो यहाँ पे देखो माइनस के 1.73 पर, माइनस का 1.75 है, इसके पहले होगा 73 ना, वहां पर आया है माइनस का π/3। ठीक है, माइनस का π/3, और फिर माइनस 1 पे आया है माइनस का π/4, माइनस का π/4। चलो कहाँ हो रहा है, सॉरी π/3 है ना, माइनस का π/4, ये कहाँ आ जाएगा, माइनस 1 पे माइनस का π/4, तो इन दोनों के बीच आएगा माइनस का π/4, यहाँ पे होगा, फिर आपका माइनस का 0.5 है, तो 5 यहाँ होगा, और 5.8 थोड़ा सा 0.6 से थोड़ा सा पहले, और उस पर कितना हो रहा है π/6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 0 पर 0 हो जा रहा है, फिर देखो π/6 कब हो रहा है, जब 0.58 ले रहा है, 0.55 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.6, तो इससे थोड़ा सा पहले और π/6 के सामने, और फिर 1 पर हो रहा है π/4, तो π/4 इन दोनों के बीच होगा ना यहाँ पर। चलिए फिर आपका 1.73 इसके जस्ट थोड़ा सा पहले, एकदम थोड़ा सा पहले, उस पर कितना हो जाएगा, तो उस पर होगा आपका √3 पे कितना हो रहा है π/3 ना, π/3 एकदम जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको कैसे मिलाएंगे, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ऐसे दर्शा सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा कर्व ले जाना होगा ना, इसी तरह से ना रहा है। चलो तो यह इसका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यह आगे ऐसे कर्व होके जाएगा, लेकिन इस पे नहीं मिलेगा, माइनस π/2 पे भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और π/2 पर भी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर कभी भी नहीं छुएगा। क्लियर है, तो ग्राफ समझ में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी अदर फंक्शन के भी ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होगी, बाकी अदर फंक्शन का ग्राफ आप लोग खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।